ये लो भाई 35 भैंस की आंख। तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल है यार, तर आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। आज की इस वीडियो में हमारे पास है ROG 5S। इसकी मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो में इसका BGMI टेस्ट हम करके देखने वाले हैं कैसी परफॉर्मेंस देता है हमको ये। और इसका जो प्राइस है वो है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये भाई आईफोन वगैरह भी हमको देखने को मिलते हैं, तो आपको बताऊंगा कि क्या आपको 50,000 रुपये में ROG 5S देखना चाहिए, और या फिर अगर आप ROG लेने के सोच रहे हो तो आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आपके पास पहले से कोई ROG का फोन है तो क्या आपको इस पर शिफ्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफी अंदर इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी लोगों के लिए। बस भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वाली वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 2 लाख सब्सक्राइबर भाई बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं, तो 2 लाख सब्सक्राइबर फटाफट से करवा दो भाई। बाकी अभी भाई बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करते, फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। सारे स्पेसिफिकेशन की बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई फोन के अंदर भर भर के स्पेसिफिकेशन हमको देखने को मिलती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया भी था अनबॉक्सिंग वाली, तो वो चेकआउट नहीं करे तो जरूर से चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना वो Snapdragon 888 प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है। AMOLED डिस्प्ले है 144Hz का, 144Hz भाई बहुत ज्यादा स्मूथ है, बैटरी स्मूथ एकदम। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 6000mAh की बैटरी हमको इसके अंदर देखने को मिलती है। 30W का फास्ट चार्जर हमको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, Type-C to Type-C वाला। और वेरिएंट की बात करें तो 8128GB वाला वेरिएंट मेरे पास अवेलेबल है, और इसको मैंने परचेज करा था 50,000 रुपीज का। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस की बात हो गई। अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि जो फोन है उसको मैंने करा हुआ है यहाँ पे 100% मैक्स चार्ज। अपने गेमिंग टेस्ट के अंदर इसकी जो ब्राइटनेस है उसको भी हम फुल रखने वाले हैं, और BGMI को टेस्ट करने वाले तो फटाफट से BGMI को चालू कर लेते हैं। नॉर्मल पे भी करके देखेंगे, उसके बाद एक्स मोड भी इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, तो एक्स मोड पे भी करके देख लेंगे कि कितना फर्क हमको देखने को मिलता है दोनों के अंदर। तो भाई गेम हो गया चालू, सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ग्राफिक सेटिंग है स्मूथ प्लस 90fps की अनलॉक देखने को मिलती है, बैलेंस एक्सट्रीम, HD एक्सट्रीम, HDR एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा है। और काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई ऑडियो के बारे में बता दिया करो, तो ऑडियो यहाँ पे अल्ट्रा तक का सपोर्ट हमको देखने को मिलता है, अल्ट्रा पे मैंने अभी करा हुआ है। तो भाई अपना ROG 5S को यूज करते करते मेरे को काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो मैंने अच्छे से इसकी पूरी टेस्टिंग कर ली है, और पूरी टेस्टिंग के बाद आपके पास वीडियो लेके आया हूं। तो अभी सबसे पहले हम TDM का मैच करने वाले हैं। ले गया लौंडा, मैच कंप्लीट हो गया भाई पहला TDM का, और इसके अंदर एक भी फ्रेम ड्रॉप हमको देखने को नहीं मिले। कॉन्स्टेंट 90fps अभी तक तो मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन भाई इसके अंदर ना थोड़ा अलग सीन है, TDM में अलग परफॉर्म करता है और क्लासिक में भाई बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और एक बात की सही चीज है कि फ्रेम ड्रॉप्स तो नहीं हुए, लेकिन पहले ही मैच के अंदर इसका जो टेम्परेचर दिखा रहा है ना वो 41 डिग्री 42 डिग्री तक पहुंचते हुए है भाई आराम से। बाकी भाई इसके जो स्पीकर है ना वो काफी तगड़े मेरे को लगे, iPhone 13 Pro Max है ना उनसे भी तगड़ी परफॉर्मेंस इसकी है, बहुत ज्यादा लाउड है भाई, बेस वगैरह एकदम मस्त मक्खन आता है, फुटस्टेप ऐसे सुनाई देते हैं राइट से बंदा रहा लेफ्ट से बंदा आता है, लीड के बिना खेलो भाई मजे ही मजे। तो अभी भाई नेक्स्ट मैच हमने स्टार्ट करा है सानोक का, इसमें कूदेंगे बूट कैंप पे, सारे बंदे वहीं पे आते हैं, अनरैंक वाला मैच, वैसे ही किसी को रैंक की टेंशन नहीं होती, सब कूदो भसड़ मचा दो। तो देखते हैं वहां पे फ्रेम ड्रॉप्स करेगा या फिर नहीं करेगा। चलो जंप करते हैं एक बार FPS देखते हैं। 47 तक आ गया भाई इतना ड्रॉप, 90 का फ्रेम जाके हाफ हो गया भाई, 45 FPS, आधा FPS दे रहा है 90 का। कौन कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। एक और स्टार्ट कर रहे हैं सेम। तो भाई बूट कैंप जंप करेंगे यहाँ पे, FPS पे ध्यान रखना। तो ये करा जंप हमने, ये लो भाई 35 FPS भैंस की आंख। जंप करते हैं भाई, बहुत ड्रॉप करता है ये,
यहाँ तो भाई अभी हमने सानोक के दो मैच खेले, इतनी ज्यादा भसड़ है भाई, वहाँ पे बंदे ही बंदे आ रहे हैं भर भर के, और वहाँ पे अपना फोन 35-35 FPS तक ड्रॉप हो गया भाई, 90 FPS, ये ना 90 से 35 आ गया, सोच रहे हो कितना ड्रॉप है यहाँ पे भाई। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था ये, पर कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट मैच अभी हम क्लासिक का स्टार्ट करके देख लेते हैं क्लासिक के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देता है ये। यहीं पे जॉर्जो में ही जंप करेंगे एक बार, 90 FPS है ना, इसको देखते हैं कितना ड्रॉप होता है। 68, 62, फिर वापस से 90। इरेंगल के मैच में थोड़ा कम ड्रॉप हमको देखने को मिलता है, सहानोक जो हमने खेला था ना अभी उसमें भाई ज़्यादा ड्रॉप था, 35-35 FPS तक आ गया था। पीछे भी खड़ा हुआ था तो भाई ये वाले एयर एंगल के मैच तो कंप्लीट हुए हैं, और इसके अंदर भी फ्रेम ड्रॉप हमको देखने को मिले हैं, 57, 67 इतने FPS तक बड़े आराम से ड्रॉप कर रहा है। तो 90 FPS होने के बाद ये वाला जो ड्रॉप है ना, काफी ज्यादा ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी क्या करते हैं, इसके अंदर जो एक्स मोड हमको देखने को मिलता है ना, उसको हम ऑन करके देख लेते हैं कि कितना फर्क हमको देखने को मिलेगा एक्स मोड ऑन करने के बाद। और भाई एक्स मोड ऑन करते ही ना पीछे लाइटिंग वाइटिंग भी हमको देखने को मिल जाती है, देखो रंग बिरंगी वाली। तो दोबारा से जंप करते हैं, एक बार FPS चेक करते हैं, 87, 85, 90। अब ड्रॉप हमको देखने को नहीं मिला, जब हमने एक्स मोड ऑन कर लिया ना, जब नॉर्मली कर खेल रहे थे तब वहाँ पे ड्रॉप हमको देखने को मिलता था, अभी परफॉर्मेंस मोड इसका चालू हो गया है तो शायद से नहीं कर रहा है ड्रॉप। चलिए दोनों किल मिल गए, बहुत बढ़िया ठिले हैं, एकदम मजा आ गया, चार चार किल करके जो ठिल रहे हो। तो भाई अभी एक्स मोड के अंदर तो परफॉर्मेंस फिर भी बेटर हमको देखने को मिली, यहाँ पे जंप करते हुए फ्रेम ड्रॉप हमको देखने को नहीं मिले हैं, 84, 86 FPS तक आया था सिर्फ। अभी भाई अपने टेस्ट को हम और नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं थोड़ा सा, अभी इस बार हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू करके देखेंगे, क्योंकि भाई जो बंदा इतना महंगा फोन ले रहा है तो कंटेंट वगैरह तो ऑब्वियसली बनाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करेगा ही। इससे पहले एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं इसका, तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ये चल रहा है 25-26 डिग्री के करीब, और फोन पे चेक कर लेते हैं जरा, फ्रंट से भाई 42 डिग्री पहुंच गया है, बैक से भाई 37 डिग्री तक ही पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो फोन का टेम्परेचर है 42 डिग्री मैक्स पहुंचा हुआ है। इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली सेटिंग है ना, उसको हमने रेजोल्यूशन कर लिया 1080p और क्वालिटी हाई पे रखा हुआ है। फ्रेम्स यहाँ पे 120 FPS तक आप शूट कर सकते हो, लेकिन गेम 90 FPS पे चल रहा है तो 90 FPS पे अपन रिकॉर्ड करने वाले हैं, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और भाई फोन के अंदर ना एयर ट्रिगर वगैरह भी देखने को मिलते हैं, बट यार मैं ज़्यादा उनको यूज़ करता नहीं हूँ तो इस चक्कर में अभी मैंने यूज़ करे नहीं है, एंड के TDM के मैच में आपको यूज़ करके दिखा दूंगा। अब देखते हैं जंप करते में क्या रहता है, 47 FPS भाई, इतना ड्रॉप। अंदर भी तो आता ना होता लड़ने, यहाँ कहाँ रहे तुम, बन जाओ प्लेयर। अब भाई एक लास्ट मैच और हम करके देख रहे हैं TDM का, और उसमें इसकी जो सेटिंग है ना वो मैक्स रखने वाले हैं, फ्रेम ज़्यादा चाहिए रहते हैं तो HDR+ Extreme पे करके देखेंगे। एक घंटा तो कंप्लीट भी हो गया भाई हमको, तो भाई ग्राफिक सेटिंग तो इसने बढ़िया आप कर ली है, परछाई वरछाई अच्छे से दिख रही है, टेक्स्चर वगैरह भी फुल है। और अभी हम क्या करते हैं, जो इसके एयर ट्रिगर्स है ना उसको ऑन करते हैं, एयर ट्रिगर्स ये कर लिया अनेबल, सेट मैंने पहले ही कर लिए थे क्योंकि यूज़ करा था, राइट वाले से हम क्लिक करते हैं तो स्कोप ओपन होता है, और भाई वाइब्रेशन क्या तगड़ी मिलती है, और लेफ्ट वाला क्लिक करते हैं तो फायर होता है। मार लो भैया, तो मार लो, हम ट्रिगर्स बता रहे तो मार दे। तो अब इसी के बेसिस पर हम खेलते हैं, लग नहीं रहा मैं एक्साइटिंग में खेलने,
इसको मैं ओपन कर दिया, हाथ ही लगा दिया इसमें। लो भाई जीत गए। बाकी भाई ये वाला मैच भी हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर ना थोड़ा सा उल्टा सीन हमको देखने को मिलता है। जब HDR एक्सट्रीम की सेटिंग पे खेला था फ्रेम ड्रॉप नहीं करता है भाई और गेमिंग ट्रिगर्स वगैरह तो प्रॉपरली वर्क करते हैं, काफी ज्यादा तगड़ी चीज है अगर थोड़ा सा हाथ सेट कर लोगे तो। बाकी यार HDR एक्सट्रीम सेटिंग पे फ्रेम ड्रॉप हमको देखने को नहीं मिलते, यहाँ तक कि अगर आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे भी खेलोगे ना तो भी भाई काफी हद तक ये बढ़िया मेंटेन करके रख लेता है, लेकिन जब आप स्मूथ प्लस 90 FPS पे खेलोगे ना तो वहां पे इसके अंदर ना काफी ज्यादा ड्रॉप हमको देखने को मिल जाता है, ये हाफ फ्रेम्स तक भी आ जाता है। बाकी भाई 1 घंटा 7 मिनट हमको कंप्लीट हो गया तो यहीं पे स्टॉप वॉच को कर लेते हैं, स्टॉप फेंक देते हैं कोने में गू। तो भाई ये आ गया अभी हम फोन की होम स्क्रीन के ऊपर, और बैटरी की बात करें तो भाई 68% बैटरी हो गई है इस फोन के अंदर। 1 घंटे 10 मिनट हमने गेम खेला ज्यादा से ज्यादा और भाई इसके अंदर हो चुकी है 32% बैटरी ड्रॉप। और भाई ये जो ROG है ना ये एक लौता ऐसा गेमिंग स्मार्टफोन है जिसके अंदर 6000 mAh की बैटरी हमको देखने को मिलती है, और भाई बंदे बोलते हैं कि भाई 6000 mAh की बैटरी है सूंसा चलेगी, मजा आ जाएगा, चार्जिंग नहीं करना पड़ेगा दो दो तीन तीन दिन तक। तो भाई इस वाले फोन का जो बैटरी बैकअप है ना वो काफी ज्यादा बेकार मेरे को देखने को मिला है। इसको मैंने पूरा पूरा दिन सिम विम डाल के भी टेस्ट करा था तो भाई मेरे को 4-4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने मिला था बस, क्योंकि मेरा यूजर्स थोड़ा सा हैवी रहता है और मैं ज्यादातर गेम्स खेलता हूं तो भाई बैटरी उतनी कमाल की नहीं चलती है इसकी जितनी की सुनने में लगती है 6000 mAh। तो भाई जो बंदे सोच रहे थे ना ROG 5S को ले लेंगे और कस्टम मैच वगैरह खेलेंगे इसके अंदर या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट वगैरह बनाएंगे गेम प्ले वगैरह, तो भाई उन बंदों के लिए नहीं है भाई, आपको इसके अंदर काफी सारे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे। मेरा गेम प्ले तो उतना तगड़ा हैवी नहीं, खैर बंदे भाई सूंसा खेलते हैं 10-10 उंगलियों के साथ ऐसे चुपक चुपक के, तो भाई इतना हैवी यूज करोगे तो पक्का और भी डाउन जा सकता है। बाकी भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी देख सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई भी मेरे को दिक्कत देखने को नहीं मिली है, 90 FPS पे बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता है एकदम स्मूथनेस के साथ, तो आप गेम प्ले वगैरह बना सकते हो चाहो तो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप मेरे को देखने को मिला था। ये वाला गेम प्ले मैंने एक रिकॉर्ड करा था, ये वाला गेम प्ले देखना चाहते हो तो भाई सेकंड चैनल पे मैं इसको डालने वाला हर्षे गेमिंग के ऊपर, तो वहां पे ये वाला आपको गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको ऊपर FPS वगैरह भी शो होते रहेंगे तो सब आपको पता लगेगा कितना कितना ड्रॉप हो रहा है। बीच बीच में भाई 70-70 FPS तक आ जाता है, देखो 60-60 FPS दे रहा है 90 FPS में, तो ड्रॉप हमको देखने को मिलता है भाई ऑफ कोर्स से। और भाई अभी तो ये वाला फोन मेरी तरफ से आपको रेकमेंडेड नहीं रहने वाला है क्योंकि भाई 50,000 रुपये इसका प्राइस है और भाई इस फोन को लेने का ना कोई भी सेंस नहीं बनता है क्योंकि भाई 50,000 रुपये में आप सीधा आईफोन देख सकते हो और आईफोन के अंदर परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत हमको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे बोलते हैं कि भाई उसकी बैटरी कम चलती है, लेकिन भाई इसी की बैटरी कौन सी ज़्यादा तगड़ी चल रही है, तो उससे थोड़ा सा काम चला लो, आईफोन भी होगा, लोगो चमका सकते हो, गेमिंग बढ़िया कर ही सकते हो, तो भाई उस मामले में मैं आपको आईफोन लेने को बोलूंगा। और भाई ROG के ना कैमरे भी उतने ज्यादा कुछ कमाल के नहीं है और इसका क्या सीन रहता है कि स्मूथ प्लस 90 FPS पे खेलोगे तो ड्रॉप करेगा ही करेगा, लेकिन आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे जब खेलोगे ना तो वहां पे थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस हमको दे देता है अब। लेकिन भाई ये तो है नहीं कि स्मूथ प्लस 90 FPS का ऑप्शन अनेबल देखने को मिल रहा है तो फिर भी हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे खेलें, ये क्या बात हुई। और बाकी हीटिंग वगैरह की बात करें तो जो फोन अपना ना 44 डिग्री तक अभी भी पहुंच गया था जब मैं इसको टेस्ट वगैरह कर रहा था, लेकिन अभी अपने गेमिंग टेस्ट के अंदर भी 42 डिग्री तक पहुंचा था, तो भाई सर्दियों का टाइम है उस हिसाब 44 डिग्री काफी ज्यादा होता है और गर्मी में पता नहीं भाई इसका क्या होने वाला है। बाकी भाई इसके अंदर कॉपर का वेपर चैम्बर वगैरह देखने को हमको मिलता है, तब भी भाई कूलिंग उतनी ज्यादा कमाल की देखने को नहीं मिल रही है इसके अंदर। और भाई कुछ बंदे हैं जो कह रहे थे कि ROG 5S काफी ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है, कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो हमको देखने को मिलते ही नहीं है, एकदम बढ़िया मस्त आराम से ले सकते हो, तो भाई थोड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करना, रियलिटी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आपके ऊपर है आपको इसके अंदर पैसा लगाना है या फिर नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि आईफोन के साथ आप जा सकते हो या फिर कोई और स्मार्टफोन भी देख सकते हो, अगर आपको एंड्रॉइड ही चलाना है तो 50,000 रुपए के रेंज में और भी स्मार्टफोन है और कम में ही आपको इससे बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो बस भाई लोगों आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही बताना था, उम्मीद करता हूं आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है ये और क्या आपको ये ROG 5S लेना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो जरूर से इस वाले वीडियो को लाइक आप कर सकते हो और ऐसे अमेजिंग कंटेंट मैं चैनल के ऊपर लाता रहता हूं, और इस फोन को और भी 90 FPS वाले फोन है मेरे पास जिससे कि मैं कंपेयर करने वाला हूं, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से आप कर सकते हो, 2 लाख सब्सक्राइबर चैनल को फटाफट से करवा दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।